हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6, जहाँ तक मुझे पता है वो चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है है ना। तो आई होप सो जो क्वेश्चन मैंने आप पे डिपेंडेंट छोड़े थे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए होंगे। नहीं, अगर कोई मिस्टेक आई हो तो मुझे भी पूछ सकते हो आप, है ना। पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 6 था उसमें 22 अप्रोक्स क्वेश्चंस थे, है ना। लगभग 40% मैंने सोल्व करवाए, 60% आपके ऊपर डिपेंडेंट छोड़े हैं। तो आई होप सो कर लिए होंगे आपने, है ना। नहीं भी किए हो तो भाई उन्हें कर ले, है ना, क्योंकि जस्ट अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमी का, है ना। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेंदी तो क्या कह सकते हैं, पूरा फॉर्मूले बेस्ड है ना। इसमें क्या है कि जब तक आप जो फॉर्मूले मेन फॉर्मूलेज हैं वो जब तक याद है ना, लर्न नहीं करोगे तब तक आपसे ये जो इक्वेशंस है इसकी सोल्व नहीं होगी, है ना। कुछ सीधा सा फंडा है, यदि आपको है ना फॉर्मूले एकदम याद है, मुँह जीबानी जी बोलते हैं ना, मतलब रट्टे हुए हैं, तो आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर सकते हो, है ना। मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है ना, याद करने ही हैं, है ना। जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हो, समझ में आ गई बात, है ना। तो देखो क्या है चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 7, क्लास 10 तो पता ही है, उसका अपन पार्ट 1 आज देखेंगे, ठीक है। देखो पार्ट 1 देखेंगे क्या है कि मैं अभी कुछ फॉर्मूले नोट डाउन करूँगा यहाँ, है ना। तो उसके बाद 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको, वो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले तो फॉर्मूले वापस ऐसे ही नहीं लिखे हुए ही रह जाए, है ना, याद भी करने होंगे, है ना। याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, है ना, सीधी सी बात है, समझ में आ रही बात। जब तक ये क्वेश्चन, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करने ही हैं, 101% कंपलसरी है, समझ में आ रही बात। देखो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ, फॉर्मूले क्या हैं देखो, ठीक है। देखो फर्स्ट फॉर्मूले क्या हैं, देखो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, है ना, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, राइट, है ना। जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कोट, इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी क्या होता है, अरे यार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अपने जो चैप्टर नंबर 6 था, है ना, उसमें ये सब देखे हैं ना, टेन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस सेक, है ना। तो ये कि न्यू चीज़ है ना, लेकिन क्या है कि इस चैप्टर में जो आएगी वो पूरा अपने को फॉर्मूले बेस्ड काम करना है ना, किसी की वैल्यू किसी भी नहीं रखनी, कोई इसमें ना तो एंगल्स हैं ना कुछ नहीं है, है ना। सीधा मतलब अपना जो है सेल्फ कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं ना,
खुद का दिमाग लगा के इक्वेशन सॉल्व करना है ना। अपने को पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है ना। फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले बनते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके करने की ज़रूरत है। समझ मेरी बात? देखो तो क्या है फॉर्मूले, फॉर्मूला फर्स्ट है ना, साइन थीटा अपॉन वन अपॉन कोसेक थीटा, नेक्स्ट कोस थीटा वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। ठीक है, देखो अपने पहले भी पढ़ा था कि साइन का उल्टा कोस होता है, कोस का साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है एंड टेन का उल्टा कोट होता है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, साइन इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा है ना, नेक्स्ट कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा एंड नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनेगा कोट थीटा के है ना, मतलब इनके फॉर्मूले क्या, देखो जैसे कोसेक थीटा का क्या बनेगा वन अपॉन साइन थीटा है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा है ना। देखो थोड़ा सा क्या है, डिजिटल बोर्ड है थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है ना, तो नहीं समझ में आया वहाँ पूछ लेना बराबर। देखो एक बार मैं क्लियरली बोल भी रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हो गए। अपन ने जब लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है एंड टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है ना, तो सेम फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। देखो इसमें क्या है, टेन थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है, देखो टेन थीटा और कोट थीटा के तो एक फॉर्मूले और हैं। टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। और जस्ट अपने को पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता था, जस्ट कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, देखो कितने फॉर्मूले हो गए, एक फोर फोर है एट है ना, आठ फॉर्मूले तो ये हो गए। ठीक है, देखो बहुत इजी है, कुछ भी एक बार खाली नज़र भी घुमा दोगे तो याद हो जाएंगे ना, बहुत सरल है। साइन थीटा वन अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा वन अपॉन कोट थीटा एंड कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। देन देखो दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा होते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस एंड कोट थीटा कोस अपॉन साइन। ठीक है, देखो जस्ट अपोजिट है इसका ये फॉर्मूले। ठीक है, दिमाग में एक बार बैठा दे, देखो है ना इसके ये दो फॉर्मूले है ना, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले लगेंगे है ना, कहाँ पर तो मोस्टली जगह ये लगेंगे, कहीं ये लगेगा है ना, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को फॉर्मूले लगाने हैं। तो हम यूँ बोल सकते हो सर यहाँ पे तो साइन थीटा है तो वन अपॉन कोस, टेन थीटा है तो वन अपॉन कोट लगाया, साइन अपॉन कोस होना चाहिए है ना, तो वो भी लगेगा है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगेगा। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूले हो गए, नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट ठीक है, देखो डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है सॉरी उसके लिए। एक दो ये फॉर्मूले हो गए ना, साइन थीटा इक्वल टू ये हो गए, नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, देखो
नेक्स्ट है इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, देखो इसी से दो फॉर्मूले और बनेंगे। क्या बनेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो क्या हुआ, साइन स्क्वायर इधर का ऐसे का एज इट इज, वन का वन प्लस का कोस स्क्वायर उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो तीन फॉर्मूले तो ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, तो क्या है, सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, तो इसी से भी सेम टू सेम बनेंगे। क्या बनेगा, पहला सेग स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है देखो कैसे होगा, सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो क्या होगा, सेग स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर बराबर इक्वल टू सेग स्क्वायर माइनस वन। तो क्यों होगा, देखो टेन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो और वन को इधर ट्रांसफर कर दो, तो माइनस का टेन स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का वन उधर जाएगा, तो माइनस का, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर माइनस सेग स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हो गए, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कोजेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना, तो क्या होगा, देखो इसमें भी सेम कंडीशन बनेगी, कोजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, वही सेम मेथड है ना, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देन क्या होगा, कोजेक स्क्वायर सेम कंडीशन इक्वल टू वन कोट स्क्वायर प्लस का माइनस का उधर जाएगा, तो प्लस प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर इक्वल टू कोजेक स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, देखो हो गए, एंड तीन फॉर्मूले और हैं थोड़े से, क्या हैं, तीन फॉर्मूले, एक तो क्या है, देखो तीन फॉर्मूले और रह गए हैं, साइन थीटा इंटू कोजेक थीटा इक्वल टू वन, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, एंड टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, तीन फॉर्मूले हैं, समझ में आ गई बात, तो देखो टोटल कितने फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखो आठ फॉर्मूले तो ये हैं, बराबर एक बार फिर से देख लो क्या है फॉर्मूले, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस। ठीक है, दो फॉर्मूले टेन थीटा का, बराबर है ना, कोस, फिर अपने को पता है इन तीनों फॉर्म की अपोजिट है ये, है ना, तो कोजेक थीटा का वन अपॉन साइन, सेक थीटा का वन अपॉन कॉस, कोट थीटा का वन अपॉन टेन, एंड कोट थीटा का कॉस अपॉन साइन। नेक्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू वन, देन साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर, एंड कोस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग ये बना है ना, समझ में आ गई बात, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन, देन क्या बना, सेक स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। देन क्या एक और नेक्स्ट, कोजेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना। तो क्या बोलेगा, कोजेक स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोजेक माइनस वन, है ना। तो वो तीनों फॉर्मूले मेन तीनों फॉर्मूले ये है, ठीक है, इसका ये है एंड इसका ये है ना। तो देखो क्या है, एक में सिर्फ एक में लोगों साइन जो है प्लस का है, बाकी दोनों में माइनस का है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है ना। उससे क्या करते हैं स्टूडेंट, सब में प्लस लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला तो गलत होता ही होता है, उसके साथ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, समझ में आ गई बात। तो फॉर्मूले नेक्स्ट एक देख लो, नेक्स्ट क्या था, साइन इंटू कोसेक वन, कोस इंटू सेक वन एंड टेन इंटू कोट वन, समझ में आ गई बात। देखो फॉर्मूले ही है मेन बेस्ट, समझ में आ गई बात। तो जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकोगे, ठीक है, कुछ इलाज ही नहीं दूसरा, है ना। फॉर्मूले याद हैं तो सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले अपने को पुट करने एंड इक्वेशन सोल्व करनी है, समझ में आ गई बात। तो देखो आज मैंने ये लिखवाया फॉर्मूले, है ना, तो या तो आप इसको नोट डाउन कर दो मेरे साथ साथ, या फिर जब खाली टाइम मिले तो उसमें नोट डाउन कर लें, समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए, है ना। तो अभी जो अभी तो टाइम हो गया मेरे हिसाब से, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें इसके अकॉर्डिंग मैं जो है क्वेश्चंस करवाऊंगा, समझ में आ गई बात। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर से ऑनलाइन क्लास में हैं। लास्ट क्लासेस में हमने थ्री पोएम्स कंप्लीट कर ली थी, रिस्क, माई गुड राइट हैंड और द लॉटस। होप सो कि उसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने कर लिए होंगे, उनको प्रॉपरली रिवाइज किया होगा और प्रॉपरली रीड भी किया होगा और समझ भी आ गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे कॉल करके कुछ जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी उसके बारे में भी पूछ लिया, तो उनके जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, लेसन सिक्स। लेसन सिक्स है, वॉट इज अ मिथ विथ अस। यस, वॉट इज अ मिथ विथ मिथ अ मिस विथ अस, सॉरी अ मिस, इसका मतलब है कि हमसे क्या गलती हो रही है। अब यहाँ पर कौन सी गलती की बात आ रही है, यहाँ पर आ रहा है कि जैसे इस लेसन में भी बीच में आएगा, ब्रिटेन में एक रिसर्च हुई थी कि कौन सी कंट्री के बच्चों की कैपेसिटी, या कह सकते हैं उनकी बुद्धि, या कह सकते हैं कि ब्रेनली वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। तो जब ये रिसर्च हुआ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी सभी कंट्रीज़ में इंडिया के बच्चे टॉप मोस्ट आए कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ के बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअली या इंटेलेक्टली प्रतिभावान हैं, कह सकते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन फिर भी कई मामलों में हम लोग अभी भी बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, क्यों? तो यहाँ पर हमारी गलती क्या है, हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आप लोगों के जानने जैसा भी है, क्योंकि आज आप स्टूडेंट हैं, आगे इन फ्यूचर आप इंडिया के नेशन की ऐसे सिटीजन बनेंगे जो इंडिया को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। पहले तो हम इसको पूरा लेसन को समराइज कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि हम लोग क्यों पीछे हैं, क्यों आज भी इंडिया को डेवलप्ड कंट्री की हेल्प पे डिपेंड रहना पड़ता है, ऐसा क्या रीज़न है। तो यहाँ पर राइटर जो है वो ये बताते हैं कि कुछ अंदर हमारी कंट्री के अंदर ही हम अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं, या हम कुछ चीज़ों को मिसयूज़ कर रहे हैं, इसलिए आज तक हम पिछड़े हुए हैं। अब वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, तो उसमें इन्होंने जो मेन पॉइंट्स लिए हैं वो है हमारा सोशल बिहेवियर। सबसे मेन है हमारा सोशल बिहेवियर, हमारा सामाजिक तौर पर व्यवहार। अब इसमें क्या क्या है, हम चाहे हमारी हम फॉरेन कंट्रीज़ के जब घूमने जाते हैं या उन सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो हम दुबई की बात ले लेते हैं, हमने दुबई के बारे में सुना है कि वहाँ की सड़कें कांच की तरह हैं, बहुत साफ़ सुथरी। वो साफ़ सुथरी कैसे है, भाई गवर्नमेंट सारा दिन काम करती है तो वो तो यहाँ पे भी कर रही है।
वहाँ के लोग बहुत जागरूक है, वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये हमारी सिटी है, हमें इसे क्लीन रखना है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि आज हम अपने सिटी की बात कर रहे हैं, हम अपने यहाँ सलुम्बर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने, नगर पालिका ने जगह जगह गाड़ियाँ लगा रखी है कचरा जो घर लेने आती है। फिर भी आप मोस्ट ऑफ जगह पे जो जो नुक्कड़ कहलाते हैं, जो चौराहे कहलाते हैं, वहाँ पर लॉट ऑफ कचरा आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे गार्बेज फेंके होंगे, वेस्ट फेंका हुआ होगा, हम तालाब देख सकते हैं, हम अपने आसपास के एरियाज देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा माइनस पॉइंट है कि हम अपनी कंट्री के लिए वो काम नहीं करना चाहते जो एक्चुअली करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, नॉइज पॉल्यूशन, ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक सेंस, इनक्रोचमेंट, क्लीनलाइननेस, धरना प्रदर्शन। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमें अपनी कंट्री के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम अब इस लेसन को लाइन टू लाइन रीड करने की कोशिश करेंगे एंड देन यहाँ पर मैं कुछ मीनिंग भी आपको बताती जाऊँगी ताकि मीनिंग आप जो है वो उसको अंडरलाइन कर लें, और जो भी आपको लगता है जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब करती जाऊँगी आपको लगता है कि मीनिंग मेरे लिखने जैसा है तो वहाँ पर उसको मेंशन करते जाएं। यस, सबसे पहला हम लेते हैं अवर्स इन अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अवर इज़ अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये बुद्धिजीवी लोगों का, इंटेलेक्चुअल किसको कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग। एक्सक्यूज, यस, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल किसको कहते हैं, बुद्धिजीवी लोगों को, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। यस, दिस इज नॉट सेड आउट ऑफ शीर Petrosium, studies at home and abroad have revealed that. ये कहीं पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं या कहीं देखने की ज़रूरत नहीं कि बुद्धिजीवियों का लोग अपने आसपास जो आप लोग देखते हैं, हमारा डेवलपमेंट देखते हैं, उसी से हम पता, जो हमारा स्टैंडर्ड है वर्ल्ड लेवल पे, उसी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हर एक बच्चा अपने आप में टैलेंटेड है या हर व्यक्ति अपने आप में बुद्धिजीवी है। नॉट लॉन्ग अगो अ स्टडी वॉज अंडरटेकन इन स्कूल ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रेन ऑफ विच नेशन एक्सीड इन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर नॉट लॉन्ग अगो इसका मतलब है थोड़े समय पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़े टाइम पहले एक रिसर्च हुआ ब्रिटेन में कि एक स्टडी की गई, सर्वे किया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से कंट्री के बच्चे ज़्यादा इंटेलेक्ट हैं, यानी कि ज़्यादा प्रतिभावान हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऐसे कौन सी कंट्री के बच्चे हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडिया वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये उस शोध में, उस रिसर्च में ये पाया गया कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो सुपीरियर हैं टू द नेटिव्स। नेटिव्स यहाँ पर है मूल निवासी, किसी भी कंट्री का प्रॉपर सिटीजन होना, यानी दूसरी कंट्रीज के बदले में यहाँ के नेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, इंटेलेक्ट टैलेंटेड माने जाते हैं। इफ दैट इज अ ट्रुथ, व्हाई वी आर लेगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, व्हाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री ऑफ द एफ्लुएंट नेशन, व्हाई आवर इम्पोर्ट एक्सेड ऑफ एक्सपोर्ट्स, व्हाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर अ मिस। अब यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है और बहुत अच्छे से कहा गया है, मैं फिर से इस लाइन को लाइन वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इफ दैट इज ट्रुथ, अगर ये सही है, why we are lagging behind, यहाँ पर lagging behind है कि पिछड़ना, following behind, पीछे की तरफ क्यों रह गए। अगर ये बात सही है कि इंडिया के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं, या जो जनरेशन है यहाँ की काफ़ी टैलेंटेड होती जा रही है, तो हम पीछे क्यों, पिछड़ते क्यों जा रहे हैं। अदर सुपर पावर्स, सुपर पावर्स से यहाँ पर हैं विश्व की महाशक्तियाँ,
जो विश्व की महान शक्तियां हैं उनसे हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? Why there is brain drain? यहाँ पर brain drain का मतलब लिखिए पलायन करना, यहाँ से चले जाना. Why there is brain drain from our country to other affluent nation? Affluent का मतलब लिखिए आप such and wealthy, यानी कि ज़्यादा धनवान होना. तो क्यों, अगर यहाँ के बच्चे, हमारी प्रोसेस ज़्यादा है तो हमारा क्यों यहाँ से पलायन हो रहा है? यानी कि हमारे धन, हमारा ही जो माल है, हमारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ क्यों ज़्यादा नहीं जा रही है? हमें लोगों से मांगना क्यों पड़ रहा है? Why our import exceed to export? हम इम्पोर्ट ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पर अपनी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे तो अपनी चीज़ों को बाहर भेज सकेंगे, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें बाहर से आ रही हैं. चाइना की ही बात कर लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ चाइनीज आइटम एंड आर्टिकल्स वहाँ से यहाँ पर इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो इसी तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं. वाई वी लुक टू डेवलप नेशन, लुकड टू होता है यहाँ पर उन पे डिपेंड होना, आश्रित होना, अपेक्षित होना. तो यहाँ पर क्यों हम, अगर हम इतने ही इंटेलिजेंट हैं तो क्यों हम दूसरी डेवलप्ड नेशन पे डिपेंडेड हैं? डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, उनकी सहायता के लिए, उनसे सहायता के लिए क्यों हम डिपेंडेड हैं? अगर हम अपने आप में प्रतिभावान हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें अपने अंदर ही सॉल्व कर देनी चाहिए. तो ऐसी कौन सी चीज़ हैं वेयर वी आर अमिस? तो अगर शोध, एक रिसर्च ये बताती है कि इंडिया के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं या इंडिया की जनरेशन काफ़ी टैलेंटेड है, तो ऐसे में हमसे क्या गलती हो रही है जो कि हम बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, उनके तुलना में हम पिछड़े हुए हैं? क्यों हमें दूसरी कंट्रीज़ पे जो डेवलप्ड है उन पे डिपेंडेड होना पड़ रहा है? क्यों हम अपने आप अपना डेवलप उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में अभी तक नहीं ला पाए हैं? अब यहाँ पर Saying so does not mean our progress is not. इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है. यहाँ पे not का मतलब है nothing. हमने यहाँ पर राइटर ये नहीं कहना चाहते कि आपने कुछ अचीव नहीं किया. बिल्कुल अचीव किया है, तभी तो हम आप आज इतने टेक्निकल वर्ल्ड में रह रहे हैं. और ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ये भी अपने आप में एक टेक्निकल चीज़ है. तो अगर हम डेवलप नहीं होते तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था. जो आज हम एसी, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, मोबाइल, ये सब कुछ जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी टेक्निक का या हमारे इंटेलिजेंस का ही नतीजा है. तो हम इंटेलिजेंट है तो हमने अचीव तो बहुत सा किया है. अब उस अचीव में क्या है? द भाखड़ा नांगल डैम, भिलाई दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा. अब यहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स लिख रखे हैं. भाखड़ा नांगल बांध, डूंगरपुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर सॉरी टैगोर न्यूक्लियर रिएक्टर आर सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट्स. ये हमारी काफ़ी बिग अचीवमेंट्स है. बट इन द ग्रैंड्योर ऑफ अ बिग एंड स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड. नेग्लेक्टेड यहाँ पर है उपेक्षा करना, लेकिन इन सब चीज़ों का महत्व कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है अगर हम ओवरऑल अपनी कंट्री पर रिसर्च करते हैं. हियर आर अ फ्यू इंस्टेंस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दिस स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैज हैम्पर्ड अवर ग्लोरी. अब इस लेसन को, यहाँ से अब लेसन स्टार्ट हो रहा है. इस लेसन में राइटर कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं.
तो यहाँ से लेसन में अब राइटर कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम अपनी ग्लोरी तक नहीं पहुँच रहे हैं, उससे थोड़े से दूर हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। इसी में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल बिहेवियर, हमारा सामाजिक व्यवहार। अब सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप जो व्यक्ति किसी से बात नहीं कर रहा है, मिलता जुलता नहीं है, हम जनरल लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, हम जाते हैं तो प्रॉपर वेलकम भी नहीं कर रहा है। तो सोशल बिहेवियर से यहाँ पर मतलब है, सामाजिक व्यवहार से मतलब है कि हमारा पब्लिकली बिहेवियर, अपनी कंट्री के लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इंडिया के बारे में हम जानते हैं बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हम अपने इंटरनल इश्यूज से ही बाहर नहीं आ पाते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा रीज़न है कि हम आज दिन तक कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आ पाए। हमारा पर्सनल इश्यूज ही रहता है कि एक समाज दूसरे समाज को कभी ऊपर आने नहीं देती है, एक समाज का दूसरे समाज के, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के लोगों के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता है, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। अब हम इस पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। हेयर वी आर एट द लोएस्ट एब, यहाँ पर एब, ई डबल बी, एब आया है अवस्था, हम अपनी सोशल बिहेविंग की जो अवस्था उसमें सबसे नीचे वाले स्तर पे हैं। यानी कि हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर ये जो ऊंच नीच वाला जो सिस्टम है वो होता ही नहीं है, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों के वहाँ पे जो झगड़े होते हैं वो कभी होते ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर एक गली में एक ऐसा इशू मिल जाएगा, हर एक स्ट्रीट में एक ऐसा इशू मिल जाएगा जो कि सोशल बिहेवियर से रिलेटेड होगा। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, अ फीस्ट और अ फेयर, अ मीटिंग और अ गैदरिंग, अ सीरियस स्टडी और अ लेजर आवर, मोस्ट ऑफ एग्जिबिट क्रैश, ignorance of minimum basic human densities, let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. अब यहाँ पर कुछ अंडरलाइन कर रही हूँ, आप उसको नोट करते जाएं मीनिंग को। एग्जिबिट क्रैश, एग्जिबिट क्रैश का मतलब होता है शोइंग नो केयर, किसी का भी शो नहीं करना। और एक दो और मीनिंग है लैक, लैक का मतलब है कमी, और कल्टीवेशन मतलब होता है ग्रोथ। तो हम नेक्स्ट, ये मीनिंग आप लोगों ने नोट कर दिए होंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है नॉइज पॉल्यूशन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग वगैरह आप नोट करके इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सभी को सुबह का नमस्कार, सुप्रभात। पिछली क्लास अपनी चल रही थी कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में, है ना, ये लेसन चल रहा था अपना आठवां पार्ट, लेसन नंबर 8, कार्बन और इसके कंपाउंड। उसमें अपन IUPAC सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे थे और अपन एल्केन, एल्किन और एल्केन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, अबाउट द डिस्कस ऑफ एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वी राइट डाउन हियर एंड you learn, you study about the alkene. So today we start from the alkene group of alkene. It's have a double bond. इसका double bond का structure बनता है, इसमें द्विबंध होता है ना, ये बात मुख्यतः याद रखनी। अब मैं कुछ यहाँ फॉर्मूले लिखूँगा alkene के, हमें उसके structure में convert करना है उसको कि कैसा उसका structure बनता है। जैसे मैं example लिख दूँ, C4H8, C5H10, C3H6, C2H4, है ना, ये सब क्या है, एल्किन के एग्जांपल है। अब इसका नाम क्या है ये आपको ढूंढना है, इसके स्ट्रक्चर भी आपको बनाने हैं, है ना, मैं भी बनाऊंगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे घर पे उतना जल्दी आप इसको सीख जाओगे। तो इसका नॉमनक्लेचर क्या बनता है, इसका नाम क्या बनता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो लिखाने जाए कि एल्किन के एग्जांपल है और आपको सीधे एग्जांपल दे दी जाए कि आप इसका नॉमनक्लेचर कीजिए, इसका नामकरण लिखिए, इनके नाम बताइए, तो आपको सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी, कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन की संख्या। कार्बन का नंबर से डबल हाइड्रोजन है तो सीधा सा कुछ नहीं करना है, उसके पीछे इन लगाना है। अगर कार्बन जितना है उतना डबल उसका हाइड्रोजन है, जैसे 5 का डबल 10,
तीन का डबल छः, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, छः का डबल बारह। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से जस्ट दुगुनी है तो हमेशा उसका सफिक्स जो होगा इन होगा, क्या होगा? इन होगा। तो ये हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए ना। और कार्बन की संख्या से जस्ट डबल करने के बाद, जैसे चार का डबल आठ होता है, आठ करने के बाद अगर यहाँ दस लगा हुआ है तो दस कैसे हो, दो प्लस किए तो दस हुआ, तो चार का डबल आठ और दो प्लस किए तो दस हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ C4H10, तो इसमें दो प्लस करते तो दस होता है। तो ये प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा था? एन वाला। तो ये ध्यान रखना कि एल्केन श्रेणी में जब भी जाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल होने के बाद प्लस टू होगी, तो वो एल्केन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यह एन लगेगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ छः, तो कार्बन की संख्या का डबल हाइड्रोजन करने पर उसमें दो माइनस करना पड़े, तो वो हमेशा आयन वाला फॉर्मूला होगा। क्योंकि अपन ने फॉर्मूले जब स्टार्ट में पढ़ी थी, अपनी क्लास हुई थी, तो मैंने तीन फॉर्मूले लिखे थे आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के, याद हो तो आपको, है ना? याद तो करते ही नहीं हो आप, है ना? तो घर पर बैठे बैठे लर्न करना है इन सबको। कई बार ये फॉर्मूले भी पूछे गए एग्जाम में, तो इनको घर बैठे बैठे आपको सबको लर्न रखने हैं फॉर्मूले। भूलते हैं वापस याद करने हैं, एक बार नोटबुक में रोज एक बार देख लिया करो, है ना, उसके दर्शन कर लिया करो रोज। तो CnH2n+2 CnH2n C, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कार्बन का जस्ट डबल हो रहा है, किसमें? इन वाले में। एन वाले में क्या हो रहा है? डबल करने का दो प्लस हो रहे हैं। आयन वाले में क्या हो रहा है? डबल करने का माइनस दो हो रहा है। तो ये आयन का हो गया, ये इन का हो गया, है ना? डबल वाला इन का और दो माइनस करने पड़े, चार का डबल आठ और आठ में से दो माइनस करें तो छः होता है, तो ये आयन वाला हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी उसको गैस कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, है ना? तो अब इसके नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है और इसके फॉर्मूले बनाने हैं, है ना? फॉर्मूले कौन से? एक तो स्केलेटन स्ट्रक्चर, एक ब्रांच स्ट्रक्चर, नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर, है ना, और बॉन्ड स्ट्रक्चर, है ना, और साइक्लो स्ट्रक्चर। कई सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अपन अलग अलग। तो अब इसके स्ट्रक्चर बनाए, देखो तो क्या बनेगा, देखो चार कार्बन, एक दो तीन और चार। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्किन पढ़ रहे हैं अपन, तो एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, तो किसी एक जगह पे मैं डबल बॉन्ड यूज़ कर लेता हूँ। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, तो अब हाइड्रोजन जोड़ने हमें, तो एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ दो और एक तीन हो गया, तो यहाँ मतलब एक ही जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ दो ही है, तो दो और जोड़ने पड़ेंगे, तो ये हो गए इसका क्रम कंप्लीट। अब कितना हो गया, देखो हाइड्रोजन कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, हो गया हाइड्रोजन कंप्लीट। कार्बन चार, एक दो तीन चार, इन है, डबल बॉन्ड खत्म। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों को लिखने के बाद फिर से एक बार चेक करना है। कि चेक कैसे करेंगे, कि सी चार था, वन टू थ्री फोर, हाइड्रोजन एट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह से। और एल्किन है तो डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाएं, ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, वहाँ उसकी कार्बन की ज्यामिति नहीं बिगड़े, उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बिगड़े, उसकी जो टेट्रावेलेंसी वाला टेट्राहेड्रॉन वाला जो रूल है वो ना बिगड़े, ये ध्यान रखना आपने। अब इसका नाम क्या बन गया, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, क्या बन गया, ब्यूट आ गया। और इन है तो ब्यूटीन, क्या बन गया, ब्यूटीन। लेकिन मैंने आपको सिस्टम बताया था अभी कि ये कहाँ लगा हुआ ब्यूटीन, जिधर से कम कार्बन पड़े, जिधर से नज़दीक पड़े वो डबल बॉन्ड, वहाँ से गिनना है। तो एक दो तीन चार, अगर इधर से गिनता एक दो तीन के बाद डबल बॉन्ड आता, इधर से गिन रहा एक के बाद आ रहा है, इसलिए जहाँ से कम संख्या पड़े एंड पार्ट की ओर, है ना, जहाँ कार्बन की लाइन कम से हो, जल्दी ख़त्म होती हो, वहाँ से उसको काउंट करना है। तो वन टू थ्री फोर, तो वन से क्या उनके देता, वन ब्यूटीन, क्या लिखना है, वन ब्यूटीन। अब हमें ध्यान भी ये रखना है कि जब संख्याएं लिखेंगे, जैसे मैं लिख दूँ दो बार, है ना, तो संख्याएं लिखेंगे तो उसके बीच में कॉमा लगेगा, लेकिन संख्याएं ख़त्म होगी और नाम लिखना, तो उसके बीच में ये ऐसा डैश का चिन्ह लगेगा, इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं इसको, हाइफन, इसको डैश नहीं बोलते, इसको बॉन्ड भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हाइफन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हाइफन, सिंबल है, और सब संख्या लिखेंगे तो उसके बीच में कॉमा लगाते हैं, है ना। तो ये वन ब्यूटीन हो गया, क्लियर। यहाँ होता तो टू ब्यूटीन, यहाँ होता तो वापस वन ब्यूटीन, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है ना, बस मेन चीज़ सीखने की यही है, सीखते वक्त सबसे मेन चीज़ इसी का ध्यान रखना आपको,
अब ये जैसे उदाहरण है, किसने कार्बन है, पहले कार्बन लिखो, कितने कार्बन थे, 5। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ो, 1, 2, 3। लेकिन हाइड्रोजन से जोड़ने से पहले अपने को क्या ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगाना है। जैसे मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 और 3, 3 बॉन्ड तो पहले से कंप्लीट थे, एक चौथा बॉन्ड ही बनाना था हमें। फिर यहाँ पे भी एक, क्यों, क्योंकि 2 और 1 3 कंप्लीट थे, एक ही बनाना था। अब इसके साथ देखो कितने, 1 और 1 2 ही है, तो 2 और बॉन्ड जोड़ने पड़ेंगे। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। तो कितना हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन कंप्लीट, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन्स हो गए, तो हाइड्रोजन्स भी कंप्लीट। अब ये देखो अपन ने बॉन्ड कहाँ लगाया है, इधर से काउंट करें, 1 2 आफ्टर 2, इधर से काउंट करो, 1 2 3 आफ्टर 3, तो इधर 3 के बाद है और इधर 2 के बाद है, तो 2 के बाद वाला नज़दीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के बाद नज़दीक था इसलिए नंबर अपन ने इधर से डाला। अब क्या नाम हो गया इसका, 5 कार्बन पे कौन आता है, पेंट, कौन आता है, पेंट, और डबल बॉन्ड है इसलिए हमेशा इन लगाएंगे, क्या बन गया, पेंटेन। और डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 के बाद, तो 2 पेंटेन, क्या हो गया, 2 पेंटेन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना, तो इसके भी आपको नाम लिखना है, इसका भी नाम लिखना है ना, नॉमनक्लेचर करते रहने हैं, जितना एग्जाम्पल बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे, है ना। ये आपके ग्रुप्स हो गए एल्किन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर एल्काइन की, है ना, इसकी बात करें एल्काइन ग्रुप की, एल्काइन की बात कर लेते हैं अपन ना। डबल बॉन्ड हो गया अपना, सिंगल बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया, है ना, उसमें कुछ इतना खास नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी आप सीख जाएंगे ना। तो एल्काइन का देखते हैं अपन, एल्काइन में सबसे मेन बात ट्रिपल बॉन्ड याद रखना अपने को, है ना, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते रहना है। स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे अपन ध्यान रखते हैं कि कार्बन की जो नंबरिंग थी, उस कार्बन की नंबरिंग को आपको लर्न रखना है हमेशा के लिए, है ना, भूलना नहीं है उस चीज़ को, जो C1 से लेकर C10 तक जो काउंटिंग आपने याद करी थी वही सभी एग्जाम्पल्स में लिखनी है आपको, तो वो भूलनी नहीं है। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन के मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन हो और उसमें से 2 कम करने पड़े हाइड्रोजन, तो वो आपका एल्काइन ग्रुप होता है। तो कार्बन का जस्ट डबल करो कितना होता है, 5 का डबल 10, 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 8। C4 लिखूंगा कितने लिखने पड़ेंगे, 6। C3 लिखूंगा कितने लिखने पड़ेंगे, 4। क्यों, क्योंकि मैं आपको सीधा सा एक शॉर्ट ट्रिक्स बता चुका हूँ कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो इन, कार्बन का जस्ट डबल करने के बाद हाइड्रोजन की संख्या 2 कम हो तो आयन। तो ये अपन ने एग्जाम्पल लिख दिए, अब इनका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखो फॉर्मूले कैसे बनते हैं इसके, कितना कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी, 5 नंबर्स ऑफ कार्बन एंड कनेक्ट विद हाइड्रोजन। अब ध्यान क्या रखना है, कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, क्लियर। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5, इसका टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी 4 लाइन या 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, इस कार्बन्स के भी कंप्लीट हो गए, इट मीन्स इसके साथ हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा। अब हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, जहाँ उसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इस कार्बन की देखो 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 4 एंड इस कार्बन के भी 4। तो टेट्रावेलेंसी या टेट्राहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिमाग में फिट रखना है। क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो गया, पेंट, एंड देन ट्रिपल बॉन्ड लगाया इसलिए क्या लगाएंगे, YNE यानी आयन, क्या बन गया, पेंटाइन, है ना। अब पेंटाइन तो बन गया, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आपको क्या बताया था मैंने कि नंबर्स को गिनना है, कार्बन के नंबर को गिन के वो बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है उस बॉन्ड के नंबर को उसके आगे लिखना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ऑप्शन में मान लो इसका करेक्ट आंसर वाला डिजिट्स भी डाला हुआ है, पेंटाइन भी लिखा हुआ है, तो किसी एक को ही करेक्ट मानना है। तो अब सिस्टम क्या बताया था मैंने, जहाँ से बॉन्ड नज़दीक हो, है ना,
एंड पार्ट उसका पास में हो वहां से इसकी काउंटिंग करेंगे। अब इधर से कितने होगा, 1 2 3, 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से काउंट करो 1 2 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो कहाँ से नज़दीक है, इधर से गिनेंगे तो 2 के बाद है और इधर से गिनेंगे तो 3 के बाद है, तो यहाँ से गिनना बेटर है क्योंकि इधर से नज़दीक है। तो क्या हो गया, 1 और 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 2 के बाद है इसलिए नंबर इधर से हमने डाला। अब 2 के बाद डबल बॉन्ड इसलिए क्या लिखेंगे, 2 पेंटाइन। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता 3 पेंटाइन, यहाँ होता तो 4 पेंटाइन, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ होता तो वापस इधर से काउंट करते, यहाँ होता तो इधर से काउंट ही नहीं करते, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। ऐसा नहीं क्रम से चल रहे हैं इसका मतलब 1 2 3 के बाद है तो 3 पेंटाइन, यहाँ डालते तो क्या हो जाएगा 1 और 2 के बाद आ जाएगा, तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है ना। तो 3 पेंटाइन हो गया, तो ये पेंटाइन पेंटीन पेंटेन है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन, जितने भी फंक्शन ग्रुप्स हैं ये IUPAC सिस्टम है, इसको आपको इसी तरह देखना है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो अभी अपन इसकी एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को और सब्स्टिट्यूंट्स को, जो प्रतिस्थापी हैं उनको जब कनेक्ट करेंगे तो क्या नाम बन जाएंगे, वो अपने को अब देखना है। सबसे मेन चीज़ अब आ रही है, पेंटीन पेंटाइन 2 पेंटीन 3 पेंटीन है ना, 4 पेंटाइन 2 पेंटीन, जो भी आता है एग्जाम्पल फॉर एवर वो मेन नहीं है। मेन स्ट्रक्चर्स क्या हैं आपके, जो फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ेंगे, जो सब्स्टिट्यूट्स जुड़ेंगे, उन सब्स्टिट्यूट्स के बेस पे कैसे आपको इसका आंसर नोट डाउन करना है, कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे, वो सबसे मेन बात है। अब अपन इसके सब्स्टिट्यूट्स को पढ़ते हैं, इसके साथ प्रतिस्थापी कौन से लगते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको लिखवा दिया था थोड़ी देर पहले कि मैथिल कैसे लिखते हैं, एथिल कैसे लिखते हैं, प्रोपिल कैसे लिखते हैं, ब्यूटिल कैसे लिखते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो फ्लोरो, ये सारी की चीज़ें कैसे इसके साथ अटैच होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हेलोजन जोड़ रहे हैं अपन, हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत मैंने आपको बताया था क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो फ्लोरो एंड देन आयोडो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेलोजन्स ग्रुप के अंदर। मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप बताए थे अभी टोटल, हेलोजन एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये ग्रुप्स बताए थे। इस ग्रुप्स के अंदर क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो फ्लोरो आयोडो है ना, ये सब चीज़ें थी। और क्या बताया था मैंने इसको कि इसका अल्फाबेटिकल सिस्टम, अगर ये किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो उसका अल्फाबेटिकल सिस्टम याद रखना है। अब अपन इसका एग्जांपल बनाएंगे, तो एग्जांपल के अंदर कैसे इनको अटैच करते हैं ये सारे चीज़ें अपन देखेंगे, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर ये सारे ग्रुप्स अपन पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी अगेन रिज्यूम विथ अवर हिस्ट्री क्लास and now we are towards the end of Mauryan dynasty. What we had learned, we had learned some different kings. First one was Chandragupta Maurya, second was Bindusar, third was Ashoka. And gradually now after death of Ashoka, how gradually slowly the Mauryan dynasty declined, or you can say the other dynasties came into existence. These are some few reasons, and at the same time we are also going to learn about administration. In ancient time, Mauryan dynasty's administration was at height. सबसे बढ़िया उनका administration था. So we start after the death of Ashoka. We resume with that, successors of Ashoka and fall of Mauryan dynasty. Before we start, let me again remind you: if you have don't have book in front of you, then go fast and bring your book. Open it in front of you, and whenever I ask you to underline main points, hold your pen, keep your books in front of your eyes and listen to my audio, and whenever I tell you to underline the main points, do it. So we start with successors of Ashoka and fall of Mauryan dynasty. What was the reason of fall of the Mauryan dynasty? The main reason was the weak successors.
कमजोर उत्तराधिकारी, उसके बाद में कोई ऐसे पावरफुल किंग नहीं हुए जो अपनी मौर्य डायनेस्टी को रिटेन कर सके. सो इन दिस वी मूव ऑन फॉर 50 ईयर्स आफ्टर अशोका. अशोका के बाद भी 50 साल तक डायनेस्टी रही, बट वो जो किंग वन बाय वन ग्रेजुअली आ रहे थे, दे वर ऑल वीक. ही इज वीक सक्सेसर्स, अंडरलाइन दिस पॉइंट, ही इज वीक सक्सेसर्स कंटिन्यू टू रूल आफ्टर अशोका. सो आफ्टर अशोका हु बिकम द किंग? इट वॉज कृणाल. सी कृणाल वॉज बेसिकली अ ब्लाइंड प्रिंस, वो अंधा था. सो कृणाल बिकेम द किंग हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज धर्म विवर्धना इन दिव्यदान अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी. रिमेंबर द बुक राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हण. जलोक वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम. अकॉर्डिंग टू तारनाथ, अशोका's son वीरसेन, now second son, underline, had become an independent ruler of Gandhar. In previous class, I had said that this dynasty was divided into provinces, and all these provinces were administered by prince. सारी dynasty को उन्होंने कुछ provinces में, प्रांत में बांट दिया था. और फिर वो क्या करते थे कि अपने जो राजकुमार होते थे उनको वो एडमिनिस्टर करने को देते थे, शासन चलाने के लिए देते थे. इट वॉज लाइक टू सी देयर, टू चेक देयर एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंट दे आर, कितना कैपेबल है, हाउ, व्हाट इज द कैपेबिलिटी. सो ऑन द होल एनालिसिस फिर कौन बाद में राजा बनेगा वो तय होता था. सो ही वॉज गंधार. एज कृणाल वॉज ब्लाइंड, रिमेंबर मगध एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ हिज सन संप्रति. संप्रति वॉज सन ऑफ कृणाल एंड ही वॉज एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिंग द डायनेस्टी. कृणाल सन दशरथ ऑल्सो रूल्ड ओवर मगध. ही हैड गिवन नागार्जुन केव्स टू हिज डिपेंडेंट्स इन चैरिटी. नागार्जुन केव्स ही गेव देम टू चैरिटी, टू हिज डिपेंडेंट्स, अपने आश्रितों को दिया था उसने. देन दिस लाइन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड यू विल हैव टू अंडरलाइन इट बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी, इट्स अ प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क इन बोर्ड. बृहदरथ वॉज द लास्ट मौर्यन किंग. ओके, बृहदरथ वॉज द लास्ट मौर्यन किंग. वाई लास्ट? बिकॉज हीज मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, हिज मिनिस्टर, हिज नेम इज पुष्य मित्र शुंग. अंडरलाइन दिस पॉइंट, पुष्य मित्र शुंग एसेसिनेटेड बृहदरथ एंड एस्टाब्लिश्ड शुंग डायनेस्टी इन मगध आफ्टर मौर्य डायनेस्टी. बृहदरथ वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर. हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्य मित्र शुंग assassinated, इसका मतलब उसको मार दिया, वध कर दिया. हिम एंड founded द शुंग डायनेस्टी इन मगध. आफ्टर मौर्य डायनेस्टी वी आर गोइंग टू स्टडी शुंग डायनेस्टी एंड शुंग डायनेस्टी वॉज एस्टाब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग. सो दिस वॉज द एंड ऑफ मौर्य डायनेस्टी. नाउ अ शॉर्ट रिव्यू अबाउट हाउ the administration was done in Mauryan dynasty. It was a well organized centralized government. Sari powers distributed thi, but again the main power was in hands of central. Second thing, that though Mauryan dynasty was centralized, to sari power kiske hath mein thi? It was in the hand of king who ruled dynasty, Mauryan dynasty. But then also he was not at autocrat, वो निरंकुश नहीं था. So we will see here, a centralized government system was established for the first time in India during Mauryan period. Before that there were Mahajanpads, and again they were distributed in provinces and each provinces had their own power. Even after centralization of power in the hands of king, he was not autocrat. लिखो इसका meaning. Autocrat. You will have to write the meaning autocrat. Kautilya has described seven components of the state. These are the essence, mukhya tattva hain Mauryan dynasty ke, aur wo kya kya hain? They are namely as Raja, Amatya, Janpad, Durg, Sena, Kosh, Sena and Mitra.
अगेन राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष सेना एंड मित्र दिस आर द सेवन कंपोनेंट्स ऑफ डायनेस्टी द किंग यूज टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द प्रीस्ट आफ्टर ड्यूली चेकिंग द कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन उसको अपॉइंटमेंट मिलती थी पहले किंग अपॉइंट करने से पहले चीफ मिनिस्टर को सारी चीज कौन चेक करता था द प्रीस्ट पुरोहित एंड ही यूज टू चेक द क्वालिफिकेशंस उनकी योग्यता चेक करता था एंड उसका कैरेक्टर हाउ दैट पर्सन इज एंड देन इस प्रोसेस को क्या कहते थे दिस प्रोसेस वॉज नोन एज उपाध परीक्षण उसको उपाध परीक्षण के नाम से जानते थे दिस पीपल यूज टू बी द डिग्निफाइड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो इस उपाध परीक्षण से पास होकर आते थे उनको बहुत ही सम्मानित ऊंचा ओहदा मिलता था मौर्य डायनेस्टी में और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते थे अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देर वॉज ऑल्सो परिषद मंत्रिणा विच वॉज अ फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये भी एक प्रकार का उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था नाउ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इफ यू कैन सी हियर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्थ हैव बीन मेंशन्ड इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र रिमेंबर द बुक रिटन बाय कौटिल्य इज नेम इज अर्थशास्त्र एंड ही हैज मेंशन्ड 18 मेजर डिपार्टमेंट्स द प्रेजिडेंट ऑफ दिस तीर्थ इज नोन एज महामत्य सबका हेड होता था मिनिस्टर मंत्री प्रिस्ट पुरोहित कमांडर सेनापति एंड प्रिंस युवराज वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थ ये जो लोग थे ये सबसे कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थ में से उनका नाम दिया गया है वो लोग थे नाउ कम्स समहर्ता दिस पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल इनफैक्ट यू कैन से दैट दिस पर्सन वॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू लगान जितना भी आता था वो कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जितनी भी आय व्यय होती थी उसका हिसाब वो रखते थे एंड प्रिपेयर द एन्यूअल बजट ऑफ द होल डायनेस्टी हाउ अकाउंट्स वुड बी मेंटेन हाउ इनकम वुड कम हाउ अमाउंट विच अमाउंट शुड बी स्पेंडेड आफ्टर द पब्लिक वेलफेयर तो सारा जो ये हिसाब किताब बजट बनाने काम ही करता था एंड द लास्ट वन इज सन्निधता सो इट इज ट्रेजरर दीज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज ये लोग ट्रेजरीज बनवाते थे एंड ग्रेनरीज देयर इज अ वर्ड ग्रेनरी ग्रेनरी वो होती है जिसके अंदर अन्न ग्रह बोलते हैं अन्न भंडार बोलते हैं और इसके अंदर सारी अनाज जो होता था जो रेवेन्यू के रूप इन फॉर्म में मौर्य डायनेस्टी में इकट्ठा होता था वो इन ग्रेनरीज में इकट्ठा होता था उसका रीजन था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी उनको खाना खिलाने के लिए एंड देन अगेन पब्लिक वेलफेयर आज भी आप देखते हैं द सिमिलर वे इज प्रोवाइडिंग ग्रीन फूड ग्रीन्स जिसको PDS बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस इसका मतलब राशन कार्ड से सबको अनाज मिलता है तो ये भी अनाज गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है इट हैज़ बीन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द फार्मर्स बाय गवर्नमेंट ये तो पहले के ज़माने में रेवेन्यू में वो आता था इन वेरियस पार्ट्स ऑफ किंगडम 26 डिपार्टमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड इन इकोनॉमिक्स विच इंक्लूड नाउ दीज आर द बेसिक संस्कृत नेम्स हमको इसको इजी लर्न करने के लिए दे आर गिवन इन इंग्लिश बट इनको नाम हमको इसी में लिखना है दे आर कोषाध्यक्ष अभी भी ये वर्ड सुना होगा आपने सीताध्यक्ष रिलेटेड विद एग्रीकल्चर देन पानी अध्यक्ष ट्रेड सूत्राध्यक्ष वॉज टेलर जो कपड़े सिलते थे एंड देन लूणाध्यक्ष वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉटर हाउस एनिमल्स जो कट होते थे फॉर फ्लैश मीट के लिए उसमें जो होता था वो स्लॉटर हाउस आता था बूचड़खाना जिसको बोलते हैं विविधाध्यक्ष पास्चर लैंड जो खाली जमीनें पड़ी होती थी उसको चारागाह बनाते थे कुछ खेती के लिए बनाते थे सो ऑल दीज वेयर पॉइंट्स फ्रॉम वेयर दीज पर्सन वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस एंड देन लक्षणाध्यक्ष वॉज मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग करेंसी इशूइंग करेंसीज मुद्राध्यक्ष पौत अध्यक्ष बंदनागर अध्यक्ष
अटविका, अटविका जिस हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स आज भी मौजूद है बट इन इंग्लिश नेम। सोचिए कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो इन एंशियंट इंडिया ऑल दिस वेयर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। समझ सकते हो कि वाई इट्स अ वेरी ग्रेट हेरिटेज ऑफ आवर हिस्ट्री। युक्त उपायुक्त वेयर लोअर लेवल एम्प्लॉयज अंडर द कंट्रोल ऑफ महामत्यस एंड हेड। सो बेसिक थिंग इज दैट द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्सन महामत्य। ही वॉज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दिस मेजर 18 डिपार्टमेंट्स दैट वर नोन एज तीर्थ। अगेन थॉरली रीड दिस थिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस यू कैन से एक्सप्लेनेशन। जितना तुम पढ़ोगे ना उतना तुमको ज़्यादा याद होता जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अबाउट लर्निंग। आपको उसको याद करना है। सो डू लर्निंग दिस थिंग, कीप ऑन रीडिंग। और इस लेसन का एक बात खास याद रखना, एज वी प्रोसीड पीछे वाला उसको बार बार रिवाइज करते रहना, तो ही आप टॉपिक की कंटिन्यूटी में रह पाओगे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो द रिमेनिंग जुडिशियल सिस्टम एंड देन प्रोविंशियल सिस्टम एंड मौर्यन सोसाइटी वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। हम जिसमें पहला अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो अब प्रारंभ से अपन नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो 2750 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक थी। उसके बाद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व वैदिक काल, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का काल था। अब अपन पढ़ेंगे इसमें जो अध्याय एक है 600 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व महाजनपद युग। उसके बाद आता है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व मौर्य काल। उसके बाद आएगा 275 ईस्वी से 550 ईस्वी गुप्त काल का काल रहेगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं महाजनपद काल, जिसमें सबसे पहले है भारत को उस समय विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानते थे, जिसमें वसुधैव कुटुंबम तथा सभी के कल्याण तथा स्वास्थ्य की कामना हेतु सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया हमारा आदर्श था। अपन ने नाइन्थ में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल था, उस समय जब भारतीय वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में जब भारत से दूसरे राज्यों में विदेशों में जब भारतीय जाते थे नाव द्वारा, तो उसमें समुद्र पार जो प्रदेश थे उन्हें दीपांतर कहा जाता था, जिसमें प्रमुख शक्तिशाली देश थे ब्रह्मदेश श्याम इंडोनेशिया मलेशिया ऑस्ट्रेलिया बोर्निया फिलीपींस जापान और कोरिया तक। ये सारे राज्य भारत के अंदर ही थे। अब हम आगे आते हैं, सिंधु घाटी अपन पढ़ चुके हैं, अब सीधा आते हैं अपन उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। सिंधु घाटी के बाद जितने भी लोग वहां थे वो सारे गंगा नदी के तट के किनारे आकर बस गए, जो उत्तर का पूरा क्षेत्र आता है। जिसमें यहाँ पर लो तकनीक के लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इसमें समाज के स्थायी जीवन यापन की प्रगति सुदृढ़ हो गई। कृषि उद्योग व्यापार वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजाति व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व छठी या अंडरलाइन अपन करेंगे, ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता संपूर्णता अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। मतलब महाजनपद काल से पहले
जितने भी राज्य थे सब छोटे छोटे भागों में विभक्त थे, उसके बाद भी विभक्त थे पर धीरे धीरे ये सारे शक्तिशाली होते गए थे। अब अपन बढ़ेंगे महाजनपद काल, 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापना हुई जिन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई। अंडरलाइन करेंगे, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ एक और है जिसके ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र, यहाँ सूक्त है, यह है सूत्र, भगवती सूत्र, जिसके अंदर भी 16 महाजनपद पदों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। दूसरा है कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली का क्षेत्र कहलाता है। जिसके बाद आते हैं अपन अंग, अंग की राजधानी है चंपा, ये बिहार का क्षेत्र है। मगध, जिसकी राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में इसकी गिरिराज, अभी वर्तमान में पटना इसकी राजधानी है। फिर है वज्जी, वज्जी विधेय और मिथिला इसकी राजधानी थी। फिर है मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा कहा जाता है, ये नेपाल में है। फिर है मल्ल, सॉरी चेदी, चेदी है इसकी राजधानी शक्तिमती। फिर है वत्स, कौशाम्बी, वत्स। इन सभी राज्यों जो 16 महाजनपद राज्य है जिसमें 4 शक्तिशाली राज्य है जिसमें से एक वत्स भी है। अगला है नवा कौशल, कौशल की राजधानी है अयोध्या, जिसकी बात पहले दो राजधानी थी, दो भागों में विभक्त था, पहली है साकेत दूसरी है श्रावस्ती, दोनों राजधानी है इसकी। फिर है पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। अगला है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर, जो राजस्थान के जयपुर अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। अगला है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो मथुरा अभी वर्तमान में है वहाँ पर। अश्मक, जिसकी राजधानी है पोतल और पाटेली। फिर है अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महेशमती, ये अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, उज्जैन वाला क्षेत्र। फिर है गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, जो भी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर और हाटक है, यह भी भारत के बाहर अफगानिस्तान में, ये दोनों क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान में आते हैं, बाकी सारे क्षेत्र हैं जो भारत में ही हैं। अब उपयुक्त 16 महाजनपदों में से दो प्रकार के राज्य थे, एक है राजतंत्र, ध्यान रखना, एक है राजतंत्र दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में अंतर समझ लेना, राजतंत्र जिसमें सीधा राजा का शासक हो और गणतंत्र जिसमें जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति का शासक हो। अब इसमें 4 प्रमुख राज्य जो मैंने पहले ऊपर बताए थे उन्हीं का नाम वापिस है, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये 4 सबसे शक्तिशाली राज्य हैं, जिसको याद करने का तरीका है VKM, सीधा शॉर्टकट में है। फिर है छठी ईसा पूर्व अनेक गणराज्यों के अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख राज्य में बताऊंगा और इनके जो जनजाति उस राज्य पर जो शासक करती थी उनका भी नाम मैं बताऊंगा। जब से सबसे पहले है कपिलवस्तु, कपिलवस्तु पे शाल्य नामक जाति राज्य करती थी। फिर सुमसुमारगिरी के भाग में, फिर अलकप्य में बुली, फिर केशुपुत के कालाम में, फिर रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्य, पावा के मल्य, पिपली लिवन के मोरीय, ये सब जातियाँ हैं, कोलीय है, मोरीय है, मल्य है, ये सब जाति है जो इन क्षेत्रों पर राज करती थी। वैशाली में लिच्छवी और मिथिला में है विदेह, ये जाति यहाँ पर राज करती थी। अब ये तो गए भारत के प्रमुख महाजनपद। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से महाजन जनपद थे जिसमें प्रमुख दे रखे हैं। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुना आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस कारण राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, जिसमें सबसे पहले है जांगल प्रदेश, जो भी वर्तमान में बीकानेर का क्षेत्र है वही जांगल प्रदेश कहलाता है। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के जिले में महाभारत काल के जांगल प्रदेश कहलाते थे। यह कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगल
और माद्रेय जंगल भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी, याद रखना, जंगल प्रदेश की राजधानी क्या है? अछत्रपुर, जिसे इस समय नागौर कहा जाता है, जो वर्तमान में नागौर क्षेत्र है। बीकानेर के राजा इसी जंगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे और इसी राज चिन्ह पर जंगलधर बादशाह लिखा जाता था। अगला है दूसरा, मत्स्य प्रदेश, जो वर्तमान में जयपुर और अलवर का क्षेत्र आता है और थोड़ा बहुत भरतपुर का क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजन पद के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार चंबल नदी के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर भरतपुर के कुछ भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी, याद रखना है, मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या है? विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर के अंदर आता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव था। महाभारत में कहा गया है कि शहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासक किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। फिर है सूरसेन, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश यानी कृष्ण भगवान के वंशज जो थे यहाँ पर शासक करते थे, जिसमें भरतपुर धौलपुर करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इन्हीं जनपद से है। अब है अगला शिवी, जो मेवाड़ अपने उदयपुर का क्षेत्र आता है, वहाँ पर शिवी जनजाति थी और शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुरी तथा राजा सुशीन ने इसे अन्य जातियों के साथ इस 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इसी जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए। मंदसौर में, या अंडरलाइन करेंगे, मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लगाकर पश्चिम पूर्वी तक होना ज्ञात बताया गया है। अब है गणतंत्र शासक प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। मतलब यहाँ पर गणराज्य थे, परंतु जो सदस्य चुने हुए थे वही क्या है, वही वह उस पर राज करते थे। कुलीन मतलब जो अमीर व्यक्ति थे वही उन पर राज करते थे। इन परिवारों के प्रतिनिधित्व ही संस्थागार सभा, अभी वर्तमान में अपने संसद भवन कहते हैं, उसी प्रकार से उस समय जो सभा थी उसे संस्थागार सभा कहते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, जिसे अनुय विरोध कहा गया था। जो चर्चा होती थी, चर्चा में जो बोला जाता था उसे अनुय विरोध कहा जाता था। जो विषय विवाद ग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान बहुरंगी शालाएं काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार और इसके अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों के विस्तारवादी नीति न्यूनाधिकारी रूप से इसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। मतलब धीरे धीरे जो राजतंत्र, जो गणराज्य थे वो धीरे धीरे राजतंत्र में परिवर्तित हो गए। जो लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति थे वही धीरे धीरे अपने वंशानुगत राजा बनते गए धीरे। इसलिए ये सारा राज्य जनपद महाजनपद खत्म हो गया था। कारण फिर इसमें 326 ईस्वी पूर्व यहाँ तक महाजनपद थे। 326 ईस्वी पूर्व नंद वंश के शासक गणानंद सिंहासन पे बैठा हुआ था। उस समय तक्षशिला में प्रिंसिपल के रूप में, अपन कह सकते हैं प्राचार्य के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य उसी समय पढ़ता था। उसके गुरु थे चाणक्य, जो वहां के प्रिंसिपल थे।
ठीक है, वही उस समय थे जिसने, इस गणानंद ने उनका अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त को 25 साल की उम्र में ही उन्होंने उसको तैयार किया और गणानंद के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार किया था। और 322 ईस्वी में दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उसने गणानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, जो हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे।